नमस्कार दर्शकों, मैं विजय चौहान, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। ऐसे न्यूज की टीम यहाँ सतलोक आश्रम सोजत में संत गरीबदास जी महाराज का जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे आई हुई है, और आज समागम का दूसरा दिन है। दूसरे दिन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे ब्लड डोनेशन का जो कैंप है अंदर, वहाँ पे ये बोर्ड लगाया हुआ है। और थोड़े से आप अंदर आप आके देखोगे तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की लाइन लगी हुई है, और यहाँ रक्त देने के लिए लोग आए। जैसा कि आप ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे अनुयायी, जिसमें महिलाओं और पुरुष भी शामिल है, सब यहाँ रक्तदान देने के लिए आए हुए हैं। इनमें काफ़ी उत्साह भी दिख रहा है। अमूमन हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी धार्मिक कार्यक्रम और समाज सुधार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और आप साथ में देख सकते हो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, उत्साह के साथ रक्त देने आए हुए हैं। यहाँ पे आए लोगों से जानते हैं आखिर इनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है रक्तदान को लेकर, ये किनकी प्रेरणा से रक्तदान कर रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश दास है जी। सर, आप हमें ये बताएं, आप रक्तदान करने के लिए आए हो है ना, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, हम जो आए हैं यहाँ पर, हमारे संत रामपाल जी के अनुयायी हैं हम, उनके बहुत सारे समाज सुधार में कार्य चलते हैं, उनमें से एक कार्य ब्लड डोनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में हर साल 14 मिलियन यूनिट्स ब्लड की ज़रूरत होती है, जिसके सामने में खाली 10 मिलियन यूनिट ही सारे जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं उनको सब सारी संस्थाओं को मिला के 10 मिलियन यूनिट ही कलेक्ट हो पाते हैं। तो इसीलिए अभी हम संत रामपाल जी के सारे अनुयायी ने प्रण लिया है कि जो 14 मिलियन यूनिट की ज़रूरत होती है उसको हम लोग पूरा करेंगे जी। सर, आप कह रहे हो 14 मिलियन यूनिट की जो ब्लड की आवश्यकता होती है वो आप लोग पूरा करेंगे, ठीक है, बट नॉर्मली सभी के ये मन में रहता है कि डर लगता है ब्लड देते हुए, कि वहाँ पे ब्लड देने से देखो सबके मन में डर सा रहता है, और यहाँ पे मेरे को काफ़ी लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो कम पढ़े लिखे हों लग रहा है ना, तो उनके मन में कोई डर हो, उनके ऊपर कोई दबाव बनाया गया हो कि आप ब्लड आप दो? नहीं भगत जी, इसमें किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया है, और यहाँ पे ना जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो एक चीज़ के लिए और प्रख्यात हैं कि वो जो भी चीज़ें करते हैं, उनके जो भी समाज सुधार के कार्य होते हैं वो हर जगह पे प्रमाणित होते हैं। इसी तरह से ब्लड डोनेशन है, जो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो जो आदमी हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता है उसकी जो दूसरी रुधिर कोशिकाएँ हैं वो वापस पुनः बढ़ जाती हैं, और उनका मस्तिष्क तेज चलता है, और अगर आप देखेंगे जो रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हैं उनका स्वास्थ्य आम व्यक्तियों से ज़्यादा अच्छा रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप स्वेच्छा से ब्लड दान कर रहे हो? बिल्कुल स्वेच्छा से कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। कैंप के अंदर जैसा कि काफ़ी सारे लोग ब्लड देने के लिए आए हुए हैं, और साथ में डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, वो आई हुई है, इनसे जानते हैं आखिर ये क्या क्या सुविधाएँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या क्या इनके पास सुविधाएँ हैं फिलहाल। सर, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएँ हैं ब्लड डोनर्स के लिए? यहाँ ब्लड डोनर का पहले से भी तरह का कम्प्लीट टेस्ट किया जा रहा है, उसके बाद ब्लड डोनर के लिए ये नाश्ते की, जूस की, चाय बिस्कुट की सारी व्यवस्था की गई है, और ब्लड डोनर को ये पॉलिसी टीम आई हुई है, उनके ये सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। हेलो सर। हेलो, हाँ, मेरा नाम डॉक्टर गौतम है, मैं ब्लड बैंक एम्स जोधपुर से आया हूँ। मैं विस्तार में छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कौन कौन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो जो रक्तदान कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले उम्र जो कि 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने पहले ब्लड दिया हुआ है तो रेगुलर जो डोनेशन इंटरवल है, जो आदमी जो मेल्स दे रहे हैं उसका 3 मंथ्स रहता है, जो फीमेल्स है उसका 4 मंथ्स रहता है, ठीक है। और जो भी हीमोग्लोबिन जो अपना कट ऑफ है वो है 12.5, ठीक है। उसके लिए हम जो है हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है वो यूज़ करते हैं कि 12.5 से अबव है या बिलो है, ठीक है। ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पिछले 15 दिन में कोई भी तरह का बुखार, ठीक है, कोई भी तरह की चोट, कोई खुला जख्म ये नहीं होना चाहिए, कोई भी तरह का कोई नशा पता ये नहीं होना चाहिए। ये बड़े बड़े मोटे मोटे क्राइटेरियाज हैं जो हम पूछते हैं। और सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, काफ़ी संख्या में आप ब्लड देने आते हैं, लगभग हर समागम में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, ऐसे कैंप्स लगने चाहिए, क्योंकि दर जगह भी अभी जो राजस्थान में है जो भी अपना जो रिप्लेसमेंट होना जो स्वैच्छिक रक्तदान है ये बहुत कम है, तो ऐसे कैंप लगने चाहिए, ऐसे स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए, इससे सब जगह ये ब्लड जाए, और जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी गांव से जो विलेज एरिया से जो कैंसर के मरीज आते हैं उनको कभी भी खून की कमी ना हो। गंगा सिंह राठौड़, एम्स ब्लड बैंक से। सर, जैसा कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग हैं, तो आपके पास कितनी कैपेसिटी है ब्लड लेने की, कितने यूनिट आप ब्लड यहाँ से लेके जाओगे? लगभग हम 100 यूनिट लेके जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइम में ज़्यादा यूनिट डोनेशन लेने से एक्सपायरी डेट एक साथ आ जाती है, उनकी 40 दिन की होती है, 40 दिन के बाद, इसलिए हम 100 यूनिट्स के नियर अबाउट लेके जाएंगे। सर, जैसा कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज लगातार समाज सुधार के कार्य करते हैं, साइड में ही रक्तदान, जैसे यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, और साइड में ही दहेज मुक्त विवाह का आयोजन भी है आज, तो संत रामपाल महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल महाराज हैं, वो
नई ऊर्जा के साथ, नए विचार के साथ जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं वो दूर करने हैं, अच्छा सपोर्ट है। मैं तो चाहता हूँ कि समाज से, हर समाज से अगर कुरीति निकल जाए तो बढ़िया ही है, इसलिए संत रामपाल संत के शरण में जाना जरूरी है। थैंक यू सर। ओके। साथ में डॉक्टर्स की टीम एक यहाँ पे भी बैठी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो लोग हैं जो आए हुए हैं उनकी एंट्री करी जा रही है, उनके फॉर्म जमा किए जा रहे हैं और यहाँ पे ब्लड के सैंपल लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हो जो श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज के, वो यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं। अब ये सारे बेड लगे हुए हैं और यहाँ पे सभी संत रामपाल जी के अनुयायी रक्तदान करने में लगे हुए हैं। इनसे भी जानते हैं क्या ये अपनी स्वेच्छा से ही कर रहे हैं रक्तदान। हेलो सर। सर नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद दास। आज आप यहाँ पे रक्तदान कर रहे हो तो एक तो आपको कैसा लग रहा है रक्तदान करते हुए? कोई डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? परमात्मा की दया से सब मिली, गुरु जी की दया से। संत रामपाल जी ने प्रेरणा दी आपको? संत रामपाल जी महाराज दया से सब हो रहे हैं। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? ऋषिराज दास। सर आप यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। डर नहीं लग रहा? नहीं सर, परमात्मा के ज्ञान के आगे डर की चलती नहीं है। सर आप संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन में, आप इसके मिशन के बारे में क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, रक्तदान शिविर के आयोजन भी हैं और लगभग नेत्रदान शिविर का आयोजन भी होते ही हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में, तो आप क्या कहना चाहोगे इन समाज सुधार कार्यों के बारे में? जी सर, सर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सभी जगहों पर रक्तदान भी करते हैं, सबका सहयोग भी करते हैं, दहेजमुक्त विवाह भी करते हैं, परमात्मा की दया से सभी काम अच्छे करते हैं, जैसे नशा मुक्त, दहेज मुक्त और सभी अच्छे कार्य करते हैं परमात्मा। जो लोग हैं उन्होंने रक्तदान किया है वो यहाँ पे रक्तदान करके बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं। हेलो मैम। सत्सेव जी। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। आपने अभी रक्तदान किया है तो रक्तदान करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रक्तदान करके। रक्तदान करना क्यों जरूरी है? रक्तदान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल आए दिन बहुत से एक्सीडेंट होते रहते हैं, उन एक्सीडेंट में जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है, जो घायल होते हैं, उन्हें कुछ लोगों को खून की ज़रूरत होती है, इसके लिए जो उनको खून की ज़रूरत होती है, आज मैंने ब्लड दिया है तो उनको खून की ज़रूरत है, तो आज हम रक्तदान कर रहे हैं तो उनको वह ब्लड मिलेगा जिससे उनकी जान बच सकती है, इसलिए हमें ब्लड करना बहुत ज़रूरी है। आपकी इतनी अच्छी सोच कैसी हुई, इतनी अच्छी मतलब रक्तदान करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जो मेरे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने ये प्रेरणा दी। पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्लड डोनेट करूंगी, बट जब मैं मेरे गुरुजी से संपर्क में आने के बाद, मैं इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद, मैं जब यहाँ आके देखा कि ब्लड देना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ब्लड डोनेशन करूँ और मेरा खून भी किसी और के काम आए, इसलिए मैंने ब्लड डोनेशन किया है और गुरुजी की दया से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपकी एज की जो गर्ल्स है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है, हालांकि जो आगे की जो युवा पीढ़ी है या जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें बहुत से लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसमें क्या ना हमारा ब्लड जाएगा तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा, उन्हें नया जीवन मिलेगा हमारे ब्लड से, तो हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए जिससे हमारे ब्लड से किसी और की जान बच रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा ब्लड किसी और के काम आए। मैम। सत्साहिब जी। क्या नाम है आपका? प्रिया दासी। अच्छा, आप यहाँ रक्तदान करने के लिए आए हुए हो तो आपने पहले कितनी बार रक्तदान कर चुके हो? जी ये मेरा फर्स्ट बार है। तो आपको कैसा लग रहा है, डर तो नहीं लग रहा? जी नहीं, डर किस बात का। तो ये रक्तदान करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रहने से पता चला है कि रक्तदान भी करना चाहिए ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। आप जो महिलाएं हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं महिला को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और आप भी इन समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त करने में, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह होते हैं यहाँ पे, दहेज और अपने शिविर लगते हैं, तो आप भी आकर इसका लाभ उठाएं। आप इधर देख सकते हो रक्तदान के दूसरे तरफ एक कोना यहाँ पे भी है जहाँ पे लोग देहदान करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे ये देहदान जो लोग करने आए हैं उनके यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जा रहे हैं, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देहदान की व्यवस्था भी है। लगभग यहाँ पे संत रामपाल जी के आश्रम में समाज सुधार की काफ़ी सारे हमको व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, रक्तदान, देहदान और दहेज मुक्त विवाह, मतलब काफ़ी सारे व्यवस्थाएं समाज सुधार की यहाँ पे है। और आप देख सकते हो इन श्रद्धालुओं को, संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं को काफ़ी उत्सुकता से देहदान के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। हेलो सर।
हाँ जी सत साई भगत जी। सर यहाँ पे देहदान करने के आए हो आप? हाँ जी भगत जी, देहदान करने के लिए आए। प्रेरणा कहाँ से मिली? ये परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने सत्संग में कहा, भी देह का कुछ होने वाला नहीं है और ये किसी के भाई लोगों के काम आएगी देह, नहीं तो जल के राख हो जाएगी और कुछ नहीं, दो मुट्ठी राख होने वाली है। और ये देह है ना, शरीर मतलब दान होगा, मेडिकल में जाएगा वहाँ भाई, इससे साइंस में काम आएंगे, स्टूडेंट के काम आएंगे, वो उनको ज्ञान हो जाएगा। और परमात्मा का ये मिशन है भाई, देहदान करना है मतलब। थैंक यू सर। सत साई भगत। जैसा कि हमने आपको रक्तदान कैंप की पूरी कवरेज दिखा चुके हैं, यहाँ पे आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी काफ़ी संख्या में आए हुए थे, सब में काफ़ी उत्साह था। डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज हर महाराज के जब भी समागम होते हैं आश्रमों में, तो वहाँ पे हर समागम में लगभग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है और काफ़ी संख्या में लोग रक्तदान देने आते हैं। तो वाकई में संत रामपाल जी एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में उभर रहे हैं, काफ़ी बड़े सोशल रिफॉर्मर के रूप में उभर रहे हैं। हमने यहाँ पे लोगों से जाना, बने रहे हमारे साथ।